लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कुछ पोलिंग ऑफिसर्स अपने पहनावे और खूबसूरती के चलते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन्हीं में से एक थी लखनऊ की पीली साड़ी वाली रीना द्विवेदी। रविवार को रीना एक बार फिर पोलिंग बूथ पर नजर आई, लेकिन इस बार रीना एक ऑफिसर के तौर पर नहीं बल्कि एक वोटर के तौर पर बूथ पर पहुंची। रविवार को उत्तर प्रदेश के देवरिया में रीना ने मतदान किया। वोट डालकर मतदान केंद्र के बाहर निकलते ही उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। 17वीं लोकसभा का चुनाव नेताओं से अधिक रीना द्विवेदी को याद रहेगा। इस चुनाव ने उनको सेलिब्रिटी बना दिया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के दौरान पीली साड़ी वाली महिला पोलिंग अधिकारी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस फोटो ने रीना को इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। रीना लखनऊ में PWD विभाग में काम करती हैं। उनकी ड्यूटी 6 मई को लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी नगराम के बूथ नंबर 173 पर थी। रीना की पीली साड़ी वाला फोटो वायरल होने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश से ज्यादा हिमाचल और उत्तराखंड में ढूंढा गया। रीना के बारे में सबसे ज्यादा सर्च हिमालय के लोगों ने किया। इस कड़ी में पीली साड़ी वाली लेडी अफसर रीना द्विवेदी ने देवरिया में अपना वोट डाला। इस दौरान पंसरी बूथ पर तैनात मतदान कर्मियों ने उनके साथ सेल्फी ली। रीना अब इतनी फेमस हो चुकी हैं कि लोग उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। रीना ने कहा, सुबह कई मीडिया हाउस ने उनका इंटरव्यू भी लिया है, सोशल मीडिया वाले शूट कर रहे हैं। रीना ने बताया वो आज सुबह लखनऊ से चलकर ससुराल वोट डालने पहुंची। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए वोट डालने जरूर आएं। लखनऊ के मोहनलालगंज के नगराम पोलिंग बूथ में रीना ड्यूटी के दौरान उनके बूथ पर 70% वोटिंग हुई थी। भविष्य में सेलिब्रिटी बनने का सपना देखने वाली पीली साड़ी वाली महिला के नाम से मशहूर हो रही रीना द्विवेदी आजकल सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। रीना के पति का वर्ष 2013 में बीमारी के कारण निधन हो गया था। उनका विवाह 2004 में PWD विभाग में काम करने वाले सीनियर सहायक संजय द्विवेदी से हुआ था। उस वक्त रीना के पति सोनभद्र में तैनात थे। महिला अफसर रीना द्विवेदी का 13 वर्ष का बेटा है। वो लखनऊ से LPS का छात्र है।